जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी पढ़ना पसंद है उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने बात किया था कि अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर किस तरह से मायासुर को बचाया था और अग्निदेव के साथ मिलकर किस तरह से खांडवन को जलाते हुए सभी देवताओं, नागों, गंधर्वों और राक्षसों को हराया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर है सांगोकोपाख्यान मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता सांगिका से पुत्री की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए मुनि का अग्निदेव की स्तुति करना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस सारे वन को जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों सांगकों को क्यों दग्ध नहीं किया, ये मुझे बताइए। ये भीष्मपैन जी से पूछ रहे हैं जो वेदव्यास जी के शिष्य हैं। विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मैं दानव के न जलने के कारण तो बताया है, परंतु सांगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उन सांगकों का सकुशल बच जाना ये बड़े आश्चर्य की बात है, कृपया बताइए उनका नाश कैसे नहीं हुआ। भीष्मपैन जी कहते हैं, शत्रुधवन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से सांगकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वो घटना घटित हुई वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। राजन, वे उद्धरता मुनि के मार्ग का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न एवं धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। भारत, वे अपने तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहाँ उन्हें अपने तप एवं सकर्म का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। मंदपाल बोले, देवताओं, मेरे तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोग बंद क्यों हैं? उपभोग के साधना से शून्य क्यों हैं? मैंने वहाँ कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है, जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है? मैं उस लोक में जाकर वो कर्म करूँगा, आप लोग मुझे उसको बताइए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वो सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी और यज्ञ करते तो हैं ही, आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोक ढके हुए हैं। इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोकों का फल भोगिएगा। श्रुति का कथन ये है, कथन है कि पुत्र पुत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। अतः विप्रवर, आप अपनी परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए, वंश परंपरा को। भीष्मपैन जी कहते, जन्मेजय, देवताओं का वो वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहाँ जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। ये सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए और सांगिक होकर जरिता नाम वाली सांगिका से संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से चार ब्रह्मवादी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंड में पड़े हुए वो बच्चों को माता सहित वही छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। भारत, महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेहयुक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। अंड में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्र को नहीं छोड़ा। वो स्नेह से विपुल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर
और अपने पुत्र की बाल्यावस्था विचार करके ब्रह्मर्षि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति अपनी स्तुति करने लगे। मंदपाल ने कहा, अग्निदेव, आप सब लोगों के मुख हैं, आप ही देवताओं को भविष्य पहुंचाते हैं। पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गुण रूप से विराजते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं, फिर दिव्य भौम और जठरान रूप में आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान इन 8 मूर्ति में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञवादन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि इन संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। हुताशन, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मलोक आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होंगे। आग्ने, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती है। महान तेजस्वी जात बेटा, आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है और आपसे ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में हव्य एवं काव्य कथावत प्रतिष्ठित है। देव, आप ही दग्ध करने वाले, अग्नि धारण पोषण करने वाले धाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप ही जुगल अश्विनी कुमार मित्र सूर्य चंद्रमा और वायु हैं। विष्णुबन जी कहते हैं, राजन, मंदपाल मुनि की इस स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य को सिद्ध करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्य वाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्र को बचा दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान हव्य वाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और अपने खांडव वन को जलाने के लिए प्रज्वलित हो उठे। तो दोस्तों, ये थी आज की चैप्टर। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। जरिता को अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।